तो दोस्तों, आप सभी ने चीन के बारे में कहावत तो सुन रखी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। और अब ऐसा ही काम चाइना ने अपने सबसे करीबी मित्र रशिया के साथ कर दिया है, जिससे रूस भी हैरान हो चुका है। क्योंकि भारत के खिलाफ भारत के अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने वाले नक्शे में चाइना ने भारत और अन्य देशों की जमीन के साथ साथ रशिया की जमीन के ऊपर भी अपना दावा ठोक दिया है, जिसके ऊपर रूस बिल्कुल बुरी तरीका से बौखला उठा है। परंतु रशिया ने अभी तक चाइना को केवल विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही जवाब दिया है। अब स्क्रीन के ऊपर आप सभी देख सकते हो, यह है हमारा प्यारा भारत और यह है रशिया का बोल सुरुस्की नाम का एक द्वीप, जो कि वास्तव में तो रशिया का पार्ट है, परंतु चाइना ने अपने नए मैप के अंदर रशिया के इस हिस्से को अपना पार्ट बता दिया है। हालांकि रशिया और चीन के बीच में इस द्वीप को लेकर पहले भी सीमा विवाद था, परंतु यह विवाद सुलझ चुका था बहुत पहले और इसके ऊपर कम से कम 15 साल बातचीत चली थी रूस और चीन के बीच में। परंतु रशिया के खिलाफ चाइना ने एक बार फिर से इस द्वीप के अंदर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि रशिया के विदेश मंत्रालय ने चीन के इस दावे को सरे से नकार दिया और रशिया ने कहा है कि हमारे इस द्वीप का विवाद बरसों पहले ही खत्म हो चुका है, अर्थात हम चीन के इस दावे को सरे से खारिज करते हैं और बोल सुरुस्की द्वीप हमेशा ही रशिया का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। हालांकि आप सभी को क्या लगता है, और जब रशिया को चाइना ने इतना बड़ा झटका दिया है तो क्या रशिया को चीन की असलियत अब पता लग जाएगी या फिर रूस अभी भी चीन को ही ज्यादा पसंद करेगा? कमेंट बॉक्स में। फिर आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।